हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अज आप गल करनी हैगी आयल्स स्पीकिंग की। तो स्पीकिंग के जो भी आप टिप्स एंड ट्रिक्स की गल करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ईडियम्स आते हैं, ठीक है। ईडियम्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं थोड़ी स्पीकिंग मॉड्यूल के स्कोर बूस्ट करने के लिए, ठीक है। तुम ईडियम्स में ईजली यूज़ करके अपने ईजली बैंड स्कोर जोड़े गैट कर सकते हैं वजिए, ठीक है। तो अज आप कुछ कॉमन जो ईडियम मैं थोड़े शेयर करेंगी जोड़े तो ईजली थोड़ी इंट्रो टॉपिक क्यू टॉपिक एंड फॉलोअप्स के जो फिट हो जाएंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल गल कर लिए, काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि लाइक ईडियम्स पता होने के बावजूद भी वो जो क्यू टॉपिक बोलते हैं तो उन्होंने भूल जाता कि इतने जो यूज़ करना है, ठीक है। तो वो गल कर लिए, जो थोड़ा एक मिनट मिलता है क्यू टॉपिक प्रिपेयर करने, ठीक है। जिदो तुम्हें की आ नोट मिल गया थोड़ू कि तुम जो नोट बना लेने एक मिनट के, ठीक है। तो स्टोरी तुम एक साइड पर बना के इधर तुम एक साइड पर लिख लो कि जोड़े ईडियम्स तुम्हें बोलने हैं, ठीक है। दो या तीन ईडियम्स तुम एक क्यू टॉपिक के बोलने जो थोड़ा लगता है कि इस टॉपिक के बोले जाएंगे पहला सीख लो। 10-12 जो क्यू आते होने चाहिए थोड़ा ईडियम्स, ठीक है। क्लीयरली एक्यूरेट यूज़ पता होना चाहिए उन्होंने, और वो तुम दो तीन जो साइड पर लिख लो कि ये वाले टॉपिक के मैं ये वाले ईडियम्स जो यूज़ करने हैं, ठीक है। और फिर जब तुम बोलते टाइम पेज देखोगे तो याद रहेगा कि तुम ये वाला जो ईडियम बोलना है, ठीक है। फिर इस तरीके भूलता नहीं और ईडियम ईजीली यूज़ कर सकते हो। तो उस तो अगे तुम्हें यदि हैबिट भी बनाओ, जो भी तुम डेली स्पीकिंग करते हो डेली ट्राई करया करो दो तीन ईडियम्स तुम क्यू टॉपिक के फिट करने लिए और एक दो इंट्रो के एक दो फॉलोअप्स के, ठीक है। तो इस की है थोड़ी हैबिट हो जाएगी, जो हैबिट हो जाएगी फिर तुम्हें मतलब लिखन की भी साइड पर जरूरत नहीं पेगी, अपने आप ही मतलब कि निकल लग जाते हैं, ठीक है। तो उस तो बाद आप गल करते हैं कि जोड़े अपने को ईडियम्स है, ठीक है। उस अपने जो स्कोर बूस्ट होंगे कि क्योंकि जो तुम ईडियम्स जो बोलते हैं, ठीक है। तो यह मतलब होंगे जो आप कह दी एक परसन परफेक्ट है पंजाबी लैंग्वेज के, अगर ईडियम्स यूज़ करता, ठीक है। गल गलते तो जिदा हूँ आप स्पीकिंग ईडियम्स शो करते हैं कि थोड़ी लैंगुएज से पकड़ किन्नी है, ठीक है। तो अपना की है टेस्ट कहता है लैंगुएज का टेस्ट है, और उन्होंने यही देखना कि अपना नॉलेज किन्नी है, कितनी डीप नॉलेज है अपन इस लैंगुएज बारे, ठीक है। तो वही चीज़ अगर तुम ईडियम्स यूज़ करोगे तो डेफिनेटली थोड़े स्कोर वधिया आएंगे। उस तो अगे एक मिसटेक जी है काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं, ईडियम्स तो देख लेंगे है, ठीक है, कि ये वाला ईडियम यूज़ हो जाएगा, ठीक है, और मीनिंग देख लेंगे। बट उदा तुसी एक तरीके नाल तुसी लगाओ सेंटेंस दे विच, ठीक है, कि उदा मीनिंग निकलना, क्योंकि एक्यूरेट तुसी सुन तो लेंगे कि ये वाला ईडियम और इतने लग जाएगा, ठीक है। बट एक्यूरेट यूज़ नहीं थोनू पता होंगे, या फिर तुसी कई बार इदा करते कि सेंटेंस दे विच लग्या लगाया ईडियम थोनू मिल जाता है और थोनू उही सेंटेंस दे विच लगाना आता है, ठीक है। और अगर तुसी कोई आप ट्राई करते हैं किसी सेंटेंस दे विच वो थोड़े तो रोंग हो जाता है, ठीक है। हमेशा की ट्राई करो जो तुसी चीज़ सीखते हो उनू डीप वे दे विच सीखो तां जो तुसी उनू एक्यूरेट यूज़ कर सको, ठीक है। इन फ्यूचर के भी जिदा हूँ फॉर एग्जाम्पल एक तुम ईडियम्स हूँ सीखते हो, जरूरी नहीं कि वो तुम कल स्पीकिंग के लिए ही सीखना है, ठीक है, कि जिते ये वर्ड आ गया उ स्पीकिंग का लगा दिता, ठीक है। इन फ्यूचर के भी थोड़े काम आए, ठीक है। इदा चीज़ सीखिया करो कोई भी आ, हूँ जो आप ईडियम सीखा अगर तुम एक अद्धा सेंटेंस तो सोखोगे सीखोगे कि जिदा फॉर एग्जाम्पल तुम इंट्रो टॉपिक लिए दो सीख ले ईडियम, है ना, कि जे अगर जो टॉपिक हैगा वो चॉकलेट पर आ गया तो मैं ये वाले दो ईडियम बोल देने हैं, ठीक है। तो वो की है होर टॉपिक के फिट नहीं होगी, तो ये थोड़ा बहुत ज़्यादा ईडियम्स जो सीखने पैणगे। इसलिए मैं कुछ कॉमन ईडियम लेके आती है जिहड़े कि इंट्रो फॉलोअप्स एंड क्यू टॉपिक के ईजीली फिट हो जाएंगे, अगर तुम ये चंगी तरह मतलब कि याद कर लें और एक्यूरेट यूज सीख लें इन्हों का, ठीक है, मतलब तुम्हें अपने आप जो यूज़ करना आ जाता तो दैन थोड़ी स्पीकिंग के लिए इनफ है, तुम्हें होर ईडियम सीखने की जरूरत नहीं, इन्हें ईडियम्स अगर तुम कर लें और थोड़ी स्पीकिंग के लिए इनफ है। क्योंकि तुम कोई भी टेस्ट दो तुम कोई भी टॉपिक आए, कोई भी इंट्रो टॉपिक आए, ठीक है, किदा का मर्जी क्यू टॉपिक हो, फॉलोअप्स हो, ठीक है, और तुम ईजीली ये वाले जो ईडियम्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बस ये वाले ईडियम्स सीख लो, उस तो बाद थोड़ी जी स्पीकिंग हैगी डेफिनेटली इंप्रूव होएगी। तो ईडियम्स थोड़े बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं स्कोर बूस्ट करने लिए, अगर तुम वधिया बोल लें हो, ठीक है, और ईडियम्स नहीं यूज़ कर रहे दैन तुम ट्राई करो कि तुम ईडियम्स जोड़े यूज़ करो अपनी स्पीकिंग दे विच और वधिया स्कोर जोड़े गैट करो। तो हूँ आप स्टार्ट करते हैं ईडियम्स, ठीक है। तो वीडियो स्किप ना करना, ध्यान दे नाल देखना कि ईडियम का यूज़ किदा होएगा, ठीक है, मीनिंग और यूज़ किदा होएगा चंगी तरह देख लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ले किया दो ईडियम, फर्स्ट ईडियम हैगा हैव गिफ्टड हैंड, ठीक है। हैव गिफ्टड हैंड का मीनिंग होंदा अगर तुसी किसी चीज़ दे विच एक्सपर्ट आ, जिदा फॉर एग्जाम्पल कि तुसी सिंगिंग दे विच एक्सपर्ट हो, ठीक है, तुसी लाइक डांस दे विच मतलब एक्सपर्ट हो, ठीक है, वो थोड़े को केड़ी चीज़ का टैलेंट है, मीनस कि वो हैव गिफ्टड हैंड आ थोड़े को, ठीक है। तो वो उसे सेंटेंस दे विच लगा सकते जिते तुसी कहना कि मैं इस चीज़ दे विच एक्सपर्ट हाँ, तुसी उत्थे कह सकते कि आई हैव गिफ्टड हैंड ऑफ दिस, जिहड़ी भी तुसी पर्टिकुलर स्किल दे विच एक्सपर्ट हो तुसी वो लगा सकते हो, जिदा कि आई हैव गिफ्टड हैंड ऑफ सिंगिंग, ठीक है, सिंगिंग दे विच की आ मैं एक्सपर्ट हाँ। दैन तुसी आई हैव गिफ्टड हैंड इन
डांसिंग, ठीक है, डांस के विचों होर भी जो जो थोड़ियाँ स्किल्स ने लाइक जिदे एक्सपर्ट और दसना है, ठीक है, तो वो बारे तुम दस सकते हो। जिदा हूँ इंट्रो टॉपिक थोड़ा ईजीली आ जाते हैं स्किल्स से, ठीक है, जिदा कि थोड़ी कि स्किल के एक्सपर्ट हो जा कि स्किल, कुछ भी इंट्रो टॉपिक काफ़ी आ जाते जिदा रीडिंग से आ गए, डांस से आ गए, ठीक है, स्पोर्ट्स से आ गए, तो उस चीज़ के अपना दस सकते हैं कि मेरे को एज की हैव गिफ्टड हैंड है, ठीक हैव गिफ्टड हैंड का मीनिंग है एक्सपर्ट एंड टैलेंट होना किसी चीज़ का, ठीक है। उस तो अगे अपने को हैगा एन अपहिल टास्क, ठीक है, इस दे अगे एन लगता हुंदा, ठीक है, कई स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, तो एन अपहिल टास्क जिहड़ा अपने को हैगा वो की आ उदा का टास्क जिहड़ा रिक्वायर करता हो काफ़ी एफर्ट्स, ठीक है, मतलब तुहानू कोई टास्क कंप्लीट करने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स देने पैंदे आ अपने, दैट मीनस की है एन अपहिल टास्क है वो, ठीक है, मतलब डिफिकल्ट टास्क है। फॉर एग्जाम्पल थोड़ू जिदा कोई भी आ गया जी कि कोई डिफिकल्ट स्किल डिस्क्राइब करो, ठीक है, जी तुम रीसेंटली सीखी है जो भी है ना उदा का कोई टॉपिक है, जो कोई भी टास्क कहना हो मेरे लिए डिफिकल्ट है, ठीक है, जो तुम इन फ्यूचर भी सीखना चाहते हो डिफिकल्ट है, किदा का भी इंट्रो टॉपिक आ जाए क्यू टॉपिक आ जाए, ठीक है, तो उत्थे कहना हो डिफिकल्ट टास्क, जिते डिफिकल्ट टास्क कहना मतलब वर्ड डिफिकल्ट टास्क आए उत्थे तुसी की कहना हैगा एन अपहिल टास्क, ठीक है, हुण तो याद कर लो इन नोट कर लो, जिथे भी डिफिकल्ट टास्क कहना होवे उत्थे अज तो आपां की डिफिकल्ट टास्क नहीं कहना हैगा, अज तो आपां की कहना हैगा एन अपहिल टास्क, ते जदों आपां एक्सपर्ट कहना होवे उदों आपां की आ हैव गिफ्टड हैंड, ये वर्ड अज तो की अपने कट दो कि जिते ये चीज़ कहनी सी उत्थे अज अज तो जिहड़ा की ये कहना, फिर ही तुसी अपने जिहड़े ट्राई कर सकते हैं स्पीकिंग दे विच, ठीक है, हैव गिफ्टड हैंड एक्सपर्ट दे लई एंड एन अपहिल टास्क डिफिकल्ट टास्क दे लई, ठीक है, और इहदा यूज़ किया सिंपल हो जाता कि इट इज़ एन अपहिल टास्क फॉर मी, ठीक है, जां कुकिंग कुकिंग इज़ एन अपहिल टास्क, ठीक है, कोई होर कोई थोड़े को जिहड़ा औखा लगता थोनू कोई भी टास्क, ठीक है, उत्थे तुसीं दस सकदे एन अपहिल टास्क। उस तो नैक्सट जिहड़ा आइडियम अपने कोल वो हैगा फुल ऑफ बीनस, ठीक है, फुल ऑफ बीनस का मतलब हुंदा एक्टिव एंड एनर्जेटिक, ठीक है, ही इज़ फुल ऑफ बीनस, वो फुल ऑफ बीनस है, ठीक है, एनर्जेटिक एंड एक्टिव है, ठीक है, जां आई एम फुल ऑफ बीनस, मैं एक्टिव हाँ एनर्जेटिक है, ठीक है, जिथे भी तुम हूँ देखो क्यू टॉपिक अपन किन्ने आते हैं जिदे दसना हूँ परसन डिस्क्राइब करना, कई बार थोड़ा आ जाता कि टीचर डिस्क्राइब करो, कई बार आ जाता कि तुम अपना फ्रेंड डिस्क्राइब करो, ठीक है, कोई स्मार्ट परसन डिस्क्राइब करो, ठीक है, ओल्डर परसन डिस्क्राइब करो, जिदा के मर्जी कोई परसन आ जाए एक लाइन तुम ये पाई सकते हो कि वो एक्टिव ने, ठीक है, एक्टिव एंड एनर्जेटिक ने, तो उत्थे जगह तुम ये लिख सकते हैं ही इज़ जां शी इज़, ठीक है, फुल ऑफ बीनस, जस्ट फुल ऑफ बीनस वर्ड लगाना और थोड़ा जिहड़ा ईडियम एक ऐड हो जाएगा, ठीक है, टॉपिक दे विच एक्टिव एंड एनर्जेटिक जिहड़ा इहदा यूज़ है याद रखना हैगा कि वर्ड के लिए किस तरीके नाल यूज़ होना, ठीक है, जिथे एक्टिव एंड एनर्जेटिक तुसी किसी परसन नू दसना हैगा उत्थे फुल ऑफ बीनस लगाओगे, ठीक है। उस तो अगे नैक्सट अपने को हैगा पार्ट एंड पार्शल, ठीक है, कॉमन है सुनिया होएगा, पार्ट एंड पार्शल अपने को हैगा इंपोर्टेंट पार्ट, जो तुम कहना हो नसैसरी पार्ट है दैट मीनस, ठीक है, कुछ भी हो जिदा फॉर एग्जाम्पल तुम कहना हो जी एजुकेशन वो हर एक परसन के लिए की आ इंपोर्टेंट है, ठीक है, तो इंपोर्टेंट जगह तुम पार्ट एंड पार्शल लिख दोगे, ठीक है, एजुकेशन इज़ पार्ट एंड पार्शल फॉर एवरी परसन, ठीक है, जिदा इंपोर्टेंट है कोई भी चीज़ किसी के लिए भी इंपोर्टेंट है, चाहे थोड़ी कोई परसनल चीज़ है, ठीक है, थोड़े लिए इंपोर्टेंट आ, तो उस पार्ट एंड पार्सल जरा यूज़ कर सकते हो, ठीक है, तो ये भी अपने को एक ईडियम है इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। उस तो अगे अपने को जो नैक्सट ईडियम है वो चैरी ऑन द केक, ठीक है, चैरी ऑन द केक जिदा आप अपनी पंजाबी लैंग्वेज के कह दें है सोने ते सुहागा, ठीक है, सोने ते सुहागा वाली जी गल हुंदी है उन्हें आप कहने चैरी ऑन द केक, ठीक है, कि मतलब कुछ इदा का मिल जाना जिहड़ा आप कह दें कि भाई ये तो हूँ अपन बेनीफिट होएगा, ठीक है, जिदा आप कहने कि चीज़ तो सोनी से सुहागा होगी, ठीक है, उदा जो इंग्लिश के कहना होगी तुम कहोगे कि यह तो हो चैरी ऑन द केक है, ठीक है, फाइनल थिंग दैट मेक्स समथिंग परफेक्ट, ठीक है, इदा की कोई चीज़ जी थोड़ू मिल जाए जी किसी चीज़ को परफेक्ट कर दे, ठीक है, तो वो होंगी है चैरी ऑन द केक, जो बैटर हैपनिंग कुछ बैटर होया हो, ठीक है, उदो आप कह दें कि चैरी ऑन द केक। उस तो अगे अपने को हैगा मेकअप योर माइंड, ठीक है, मेकअप योर माइंड हुंदा जो तुम फाइनल सोच लैंदे हो कि ये चीज़ करनी हैगी है, जिदा आई हैव मेड अप माई माइंड, ठीक है, गुड स्कोर आज के बच्चे गुड स्कोर करना चाहते इन ऑर्डर टू गैट गुड स्कोर इन आयस एग्जाम, ठीक है,
ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ ਮੇਕਅਪ ਯੋਰ ਮਾਇੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਕਅਪ ਮਾਈ ਮਾਇੰਡ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈ ਮਾਇੰਡ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿਮ ਹਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਈ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਕਅਪ ਯੋਰ ਮਾਇੰਡ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਈਡੀਅਮ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੁੱਡ ਸਕੋਰ ਲੈਣੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਈ ਹੈਵ ਮੇਡ ਅਪ ਮਾਈ ਮਾਇੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਗੈਟ ਗੁੱਡ ਸਕੋਰ ਇਨ ਸਪੀਕਿੰਗ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਮੇਕਅਪ ਯੋਰ ਮਾਇੰਡ ਵਾਲਾ ਈਡੀਅਮ ਲਗਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਗਰ ਜੋ ਈਡੀਅਮਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਈਡੀਅਮ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਈਡੀਅਮਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਫੀ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਗਾ ਨੋਟ ਆ ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੈਗਾ ਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਟ ਈਜ਼ੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਡਿਫੀਕਲਟ। ਦੇਖੋ ਮੀਨਿੰਗ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੀਨਿੰਗ ਸੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਔਖਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਔਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਨਿੰਗ ਸੇਮ ਆ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਨੋਟ ਈਜ਼ੀ, ਜਦੋਂ ਡਿਫੀਕਲਟ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫੀਕਲਟ ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਨੋਟ ਈਜ਼ੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ ਜਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ ਫੋਰ ਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨੋਟ ਅ ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ। ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨੋਟ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਨੋਟ ਅ ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਬਰਨ ਦਾ ਮਿਡਨਾਈਟ ਆਇਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਰਕ ਲੇਟ ਇਨ ਟੂ ਨਾਈਟ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਰਨ ਦਾ ਮਿਡਨਾਈਟ ਆਇਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਨ ਦਾ ਮਿਡਨਾਈਟ ਆਇਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਗਾ ਵੰਸ ਇਨ ਅ ਬਲੂ ਮੂਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੰਸ ਇਨ ਅ ਬਲੂ ਮੂਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ ਗਾ ਵੈਰੀ ਰੇਅਰ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਣਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੰਸ ਇਨ ਅ ਬਲੂ ਮੂਨ। ਬਟ ਕਹਿਣੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਰੇਅਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੰਸ ਇਨ ਅ ਬਲੂ ਮੂਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਔਨ ਕਲਾਊਡ 9, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਪੀ ਵਰਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਪੀ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਨ ਕਲਾਊਡ 9, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਲਾਊਡ 9 ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਗਾ ਦੋ ਈਡੀਅਮਸ ਹੈ, ਸੇਮ ਯੂਜ਼ ਆ, ਟੂ ਕੈਪੀਟੋਲ ਔਰ ਆਲ ਇਨ ਆਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਟੋਪਿਕ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੋਪਿਕ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਐਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੂ ਕੈਪੀਟੋਲ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਕੈਪੀਟੋਲ ਜਦੋਂ ਐਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਲ ਇਨ ਆਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਈਡੀਅਮ ਹੈਗਾ ਐਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਮਨ ਈਡੀਅਮਸ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਡਿਊਲ ਕਿਸੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ।